हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बेटिंग माइंड यूट्यूब चैनल और आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आपको 1xBet, बेट विनर या बेट 365 इन सब एप्लीकेशन में खेलना चाहिए या आपको ऑनलाइन आईडी में खेलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, ऑनलाइन आईडी में खेलने का क्या बेनिफिट है, सब आपको इस वीडियो में बताया गया है। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं दोनों के डिपॉजिट में कि दोनों में आप मिनिमम कितना डिपॉजिट कर सकते हो और कौन कौन सा मेथड दोनों में अवेलेबल है। तो सबसे पहले 1xBet पर देख लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, UPI, ये सारा पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल है जिससे आप 1xBet के एप्लीकेशन में डिपॉजिट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे फ़ोनपे है जिसमें कि 400 रुपये का मिनिमम डिपॉजिट है। उसके बाद यहाँ पे गूगल पे, इसमें भी 400 का डिपॉजिट है। पेटीएम, UPI, उसमें 350 डिपॉजिट कर सकते हैं और UPI के द्वारा आप यहाँ पर 300 रुपये डिपॉजिट कर सकते हैं। तो चलिए ऑनलाइन आईडी में भी चेक कर लेते हैं कि इसमें मिनिमम डिपॉजिट कितना है। तो उसके लिए गाइस आप लोग यहाँ पे अकाउंट वाले सेक्शन में क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे बैंकिंग में क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे डिपॉजिट वाले सेक्शन में क्लिक करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं मिनिमम डिपॉजिट 10 रुपीज़ लिखा हुआ है। तो चलिए प्रूफ के लिए हम लोग 100 रुपीज़ एक बार डिपॉजिट करके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे 100 रुपीज़ लिख के डिपॉजिट वाले सेक्शन में क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं दो पेमेंट मेथड आ चुके हैं, बैंक ट्रांसफ़र और पेटीएम। अगर आप यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट डिपॉजिट करेंगे तो यहाँ पे फ़ोनपे और गूगल पे का भी ऑप्शन आएगा, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम लोग 100 रुपीज़ डिपॉजिट कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे 100 रुपीज़ के लिए पेटीएम और बैंक ट्रांसफ़र ही अवेलेबल है। तो यहाँ पे हम लोग पेटीएम में क्लिक कर देंगे। उसके बाद गाइस यहाँ पे पेटीएम नंबर शो हो रहा होगा और यहाँ पे नेम भी शो हो रहा होगा, तो हम लोग पेटीएम में जाके 100 रुपीज़ पेमेंट कर देते हैं। तो देख सकते गाइस मैं यहाँ पे कर चुका हूँ। उसके बाद मुझे इसका एक स्क्रीनशॉट लेना होगा क्योंकि वहाँ पे अपलोड करना है। तो फिर मैं जैसे ही एक स्क्रीनशॉट लिया, उसके बाद मुझे बैक जाना है और यहाँ पे जो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है क्लिक हियर टू अपलोड पेमेंट स्क्रीनशॉट, तो वहाँ पे हम लोग को प्लस वाले आइकन में क्लिक करना है। देन उसके बाद यहाँ पे ये सेलेक्ट करना है और उसके बाद डन करना है। तो देख सकते हैं हमारा स्क्रीनशॉट यहाँ पे अपलोड लिखा हुआ आ चुका है। तो यहाँ पे सिंपली हमको सबमिट वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। जैसे ही हम लोग सबमिट वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा 5 मिनट के अंदर जो बैलेंस है वो ऐड हो जाएगा। उसके बाद हम लोग को कुछ भी नहीं करना है, सिंपली ऐसे बैक जाना है। तो देख सकते हैं गाइस यहाँ पे 100 रुपीज़ हमारा ऐड हो चुका है। पहले 245 रुपीज़ था, अब यहाँ पे 355 रुपीज़ हो चुका है। तो चलिए गाइज अब हम लोग जल्दी से जान लेते हैं कि दोनों में से किसका ऑड्स ज़्यादा होता है, 1xBet का या फिर ऑनलाइन आईडी का। तो चलिए हम लोग 1xBet को ओपन करते हैं। तो देख सकते हैं गाइज मैं आ चुका हूँ अपने 1xBet के होम पेज में। तो जल्दी से एक मैच सेलेक्ट कर लेते हैं जिससे कि कंपेयर करना आसान हो जाए। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर स्पोर्ट्स में क्लिक कर देंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं T20 मैच चल रहा है इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड का, तो यहाँ पर हम लोग क्लिक कर देंगे। देन गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं टीम विन में W1 टीम में 1.408 का ऑड्स चल रहा है, जहाँ पे गाइस अगर आप यहाँ पे 1000 रुपीज़ अगर आप लगाते हैं तो 1000 रुपीज़ का यहाँ पे मिल रहा है 408 रुपये एक्स्ट्रा, ठीक है। और उसके बाद गाइस आप लोग यही सेम मैच को CBTF में अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, और उसके बाद गाइस अगर यहाँ पर आप 1000 रुपीज़ लगाते हैं तो आपको 480 रुपीज़ मिल रहा है, मतलब कि 80 रुपीज़ एक्स्ट्रा। अगर आप 1000 लगाते हो तो 80 रुपीज़ एक्स्ट्रा, और अगर आप 10,000 लगाते हो तो 800 एक्स्ट्रा आपको CBTF में मिलता है। तो गाइस अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं टॉस में, तो टीम टू विन द टॉस। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टीम वन इंडिया पे अगर हम लोग 1000 रुपीज़ लगाते हैं तो हम लोग को रिटर्न में 910 रुपये एक्स्ट्रा मिलता है। वही सेम चीज़ गाइस अगर आप लोग यहाँ पे स्पोर्ट्स बुक में अगर आप लोग यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉस आ जाएगा, और यहाँ पे अगर आप 1000 रुपीज़ लगाते हैं तो आपको 950 रुपीज़ मिलेगा। मतलब आप कोई सा भी टीम पे लगाओ, मैच में लगाओ या फिर टॉस में लगाओ या फिर टाई में लगाओ, किसी भी चीज़ में अगर आप लगाओगे तो वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑनलाइन आईडी में मिलने वाला है। तो गाइस ऑनलाइन आईडी इसीलिए सबसे बेस्ट माना जाने लगा है आजकल। अब हम लोग जान लेते हैं गाइस कि 1xBet और CBTF में विड्रॉ का सिस्टम क्या है और हम लोग इसमें से पैसे कैसे विड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले गाइस हम लोग 1xBet पे जाते हैं और उसके बाद इस पर विड्रॉ चेक करते हैं कि आप मिनिमम इसमें कितना विड्रॉ कर सकते हैं। और 1xBet में विड्रॉ लेने के लिए गाइस आप लोग जिस पेमेंट मेथड से डिपॉजिट करोगे उसी पेमेंट मेथड से विड्रॉ मिलता है। जैसे कि आपने अगर फ़ोनपे से विड्रॉ किया था तो आपको फ़ोनपे से ही विड्रॉ मिलेगा, गूगल पे से किया था तो गूगल पे से मिलेगा, पेटीएम से किया था तो पेटीएम से मिलेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर फ़ोनपे से विड्रॉ मिनिमम 700 है, और यहाँ पे गूगल पे में भी चेक कर लेते हैं यहाँ पे 500 है, पेटीएम UPI में भी चेक कर लेते हैं 600 है, UPI में भी 700 है। तो गाइस अब हम लोग चलते हैं CBTF में कि आप यहाँ पे मिनिमम कितना विड्रॉ कर सकते हैं। बाद तो देख सकते हैं गाइस मैं आ चुका हूँ अपने CBTF के होम पेज में। CBTF से पैसे विड्रॉ करने के लिए सबसे पहले गाइस आपको यहाँ पे अकाउंट वाले सेक्शन में क्लिक करना है, देन बैंकिंग वाले सेक्शन में क्लिक करना है, उसके बाद विड्रॉ में क्लिक करना है। और गाइस यहाँ से मैं बता दूँ आपको कि आप 100 रुपीज़ मिनिमम विड्रॉ कर सकते हैं और मैक्सिमम आप कितना भी विड्रॉ कर सकते हैं। तो गाइस अगर मैं यहाँ पर 100 रुपीज़ विड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं गाइस प्रोसेसिंग टाइम 2 आवर लग रहा है, मतलब कि 2 घंटे में आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो
जिसको भी ऑनलाइन आईडी क्रिएट करना है, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि आप लोग किस तरह से साइन अप करेंगे। तो गाइस सबसे पहले आप लोग को क्या करना होगा, सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे गूगल पे जाना होगा और यहाँ पे लिखना होगा, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे वैसे सेम आप लोग को भी लिखना है, वरना साइट ओपन नहीं होगा। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पे आप लोग को www.cbtfspeed247.com ये आप लोग को सर्च करना है और उसके बाद सिंपली यहाँ पे सर्च कर देना है। उसके बाद गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह का आपके पास इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे साइनअप वाले ऑप्शन में क्लिक करना है, देन आप लोग को यहाँ पे कंफर्म करना है। उसके बाद एक यूज़र नेम सेलेक्ट कर लेना है, कोई सा भी जो आपका मनपसंद यूज़र नेम हो। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं मैं एक यूज़र नेम सेलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे प्रोमो कोड का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप एक प्रोमो कोड सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि आपको स्क्रीन में भी शो हो रहा होगा और मैंने यहाँ पे लिखा भी है। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर सेलेक्ट कर लेना है जो कि मैं लिख ले रहा हूँ 62010। देन उसके बाद यहाँ पे आपको जनरेट ओटीपी में क्लिक करना है। उसके बाद देख सकते हैं गाइस यहाँ पे एक ओटीपी आएगा, आपको यहाँ पे ओटीपी डालना है और उसके बाद यहाँ पे आपको एक पासवर्ड डालना है। उसके बाद आपका यहाँ पे साइन अप हो जाएगा। लॉगिन करने के लिए गाइस सबसे पहले आपको यहाँ पे लॉगिन वाले बटन में क्लिक करना है, देन आपको कंफर्म करना है। उसके बाद आपने जो यूज़र नेम सेलेक्ट किया था वो आपको यहाँ पे यूज़र नेम फिल कर देना है। उसके बाद आपको पासवर्ड फिल कर देना है जो आपने पासवर्ड वहाँ पे डाला था। उसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन में क्लिक करना है, जैसे ही आप लॉगिन में क्लिक करेंगे आपका लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद आप आराम से यहाँ पे प्ले कर सकते हैं और विनिंग कर सकते हैं। तो गाइस आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।